वेरी नाइस. हाँ, आप मटेरियल्स इकट्ठे करते रहे ना, आप ये सारे जंक मटेरियल्स और ये मटेरियल्स इकट्ठे करते रहे और फिर एकदम जैसे नीलोफर के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार होते हैं, वो बस आके उनको मिक्स कर देती है ना. ऐसी कोई बात नहीं, इट इज सो सिंपल एंड सो इजी. इट इज इसीलिए तो मुझे कुकिंग आती नहीं, क्योंकि इतनी सिंपल चीज है कि Are you into cooking? Not at all. Thank God there is somebody like me. अच्छा अभी क्या लगाने लगे? Next चीज देखिए, ये स्टेमन्स है. स्टेमन्स है, ठीक है. और ये सब कुछ लोकली आपको बुकशॉप वगैरह इन ऐसी जगह से मिल जाएगा, है ना? कोई ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिल सके. दिखाएंगे इसको. देखिए अभी कैसे स्टेमन्स लगा रही है. अच्छा, ये गिफ्ट बॉक्स कितने का होगा? गिफ्ट इसकी को प्राइसिंग की नहीं, इसकी प्राइसिंग नहीं. इसमें बेसिकली जो आपका ब्रोश है ना, हाँ, it was made for that. Oh, इसमें ब्रोश डाल के वी गिफ्ट दिस आउट. अच्छा, हाथ से बनाई हुई चीजें, लेकिन देखिए इतनी नीट बनी हुई है, इतनी नीट है, बड़ी सफाई है इन सब चीजों में. अच्छा, और भाई मुझे तो ये जो सिप्पी है ना, ये बड़ी इम्प्रेस कर रही है. इसकी क्या कहानी है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या किया हुआ है, ये किस तरह बनाई गई है? ये जरा बताओ यार. प्लेट्स हैं जो होती है मिट्टी की, उनको हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया है, उनको अटैच किया और ये हमने क्ले से बनाए हुए हैं. एंड दीज आर मेड विद नेक है, ये मुझे ये हमने नेट से इसके फ्लावर्स बनाए हुए. सिंपल इसको हम ऐसे बनाएंगे. वेरी प्रिटी. अपने कमरे को फातिमा ने कैसे सजाया होगा, वैसे देखने वाला होगा, है ना? सही बात है. अच्छा, ये देखें कैसे कैसे तेजी से वो जल्दी जल्दी फ्लावर्स बना रही है. देखें जरा, नीलोफर आपकी स्पीड के मुकाबले में किसी का हाथ हिल रहा है. मैं तो बहुत स्लो अभी जा रही हूँ. नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत फास्ट है. नो बट आई एम, यस आई एम. आपका ऐसे बन जाएगा, देखा? ओके, ठीक है. इसकी कटिंग करके तो आई थिंक पेस्ट कर देंगे. हाँ, इसको हम इस पे भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं. है? ये वाले फ्लावर्स भी हम लगा सकते हैं, हमने चार्ट पेपर से बनाए हैं. ये चार्ट पेपर कितने में? स्प्रे हुआ है ये तो. एक मिनट जरा देखने देना, ये तो लग रहा था कि कोई बड़ी कोई सॉफ्ट से मटेरियल से, जैसे कोई रिबन होता है समथिंग यूज. लेकिन ये चार्ट पेपर से बने हुए ये फूल देखे, फिर भी इतनी सफाई से बने हुए, इतने प्यारे फूल बने हुए, जबरदस्त, वेरी नाइस. टोकरी भी बड़े मजे की है. टोकरी को तो आप कितनी मतलब मुकाबले वाले रख सकते हैं, कर सकते हो आप. बहुत फर्क फर्क तरह यूज कर. पिंक रिबन है, डोंट मिस द पिंक. पिंक है ना. अच्छा, लास्ट ईयर देयर वाज सच अ टेरिफिक रिस्पॉन्स ऑन द डे, ऑन द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे. इतने कॉलेजेस, इतने स्कूल्स के स्टूडेंट्स आए हुए थे एंड इट वाज ग्रेट यू नो कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको भी पता चल रहा है कि भाई क्या कैंसर के कॉजेज हैं, किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस स्टेज पे आप आओ, डायग्नोसिस सही हो जाए, ट्रीटमेंट सही हो जाए. तो क्या हो सकता है ओवर दीज यू नो लास्ट फ्यू डेज एंड वीक्स आई हैव मेट क्वाइट अ फ्यू कैंसर पेशेंट्स. वो खुद ये हर तरफ मैसेज दे रहे हैं कि भाई कैंसर जो है वो ला इलाज नहीं है. बिल्कुल, अगर आपको एक स्टेज पर पता चल जाता है, प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाती है, तो आप बच सकते हैं, आपकी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर सकती है. और फिर से मैं यहाँ पे प्लीज कहूंगी कि जितने कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए आप जितनी दुआ कर सकते हैं करें. आपको पता ही है कि माय ओन कजिन, यू नो शी इज रियली सफरिंग दीज डेज. उनके लिए मैंने जरियापा के लिए उस दिन भी दुआ कराई थी. मैं फिर कहूंगी कि प्लीज उनके लिए जो है ना वो दोबारा दुआ करें. सो और ऐसे इतने पेशेंट्स हैं, इमेजिन जो जिन लोगों को बड़ी यंग एज में ये हो जाता है वो बच जाए तो जिंदगी में आगे वो लोग क्या क्या कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस वॉज द होल आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस एज अ मंथ, ताकि सबको ज्यादा से ज्यादा पता चल सके. इट वॉज एक्चुअली इनिशिएटेड इन 1985 अमेरिका में, नेशनल मंथ सेलिब्रेट हुआ था. और उसके बाद से फिर डिफरेंट कैंसर रिसर्च फाउंडेशन ने इसको एस्टेब्लिश किया और 1991 से ऑनवर्ड ये पिंक रिबन जो था ना, इट वॉज सिंबलाइज्ड फॉर पर्टिक्यूलरली फॉर दिस. तो ये एक लेडी थी जिन्होंने बेसिकली शी वॉज द मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, उन्होंने इसको इनिशिएट किया था. और फिर नेशनल कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट होना शुरू हुआ. सो सारी कंट्रीज, इवन आई थिंक जो बाहर की दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो तो दे मेक देयर बिल्डिंग्स पिंक, उसकी पिंक लाइटिंग कर देते हैं. दे एक्चुअली यू नो सेलिब्रेट लोगों को 1985 से अवेयरनेस है, हमें तो पता चल आई थिंक शौकत खान इज एक्चुअली लाइक
playing its part in all this. That's bringing great. This awareness. That's great. Bilkul. And I hope that jitne logon ko last year pata chala hai, usse kitne zyada ko is saal pata chale. Because sabse pehle aap awareness spread karte ho. That is the basic objective. Because aap prevent to pata nahi kar sakte ho, nahin kar sakte ho. Ye to ek Allah ki taraf se cheez hai. I don't think you can really prevent it. Ek aapki family history bhi hoti hai. Naturally bhi kuch aise causes hote hai. Lekin aap ki jitni awareness phailaye, you just spread the word across. Kitne logon ko pata chalta? Because jab tak pata hi nahi chalega, aap to bas baithe rahoge. Aur bada, I think it's time that you really broke all the taboos. Ki bhai iske bare mein baat nahi karni. Kyun nahi baat karni? लोग वैसे वाकई छुपाते रहते हैं, डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं कि उनको स्टिग्मेटाइज कर दिया जाएगा, उनको ऑस्ट्रसाइज कर दिया जाएगा. लेकिन दिस इज नॉट, ये को आप खुद नहीं करते हो अपने साथ, ये तो एक अल्लाह की तरफ से चीज हुई है. तो यू शुड बी वेरी सिंपथेटिक एंड सेंसिटिव टूवर्ड्स द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस. इमेजिन व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, दैट पर्सन एंड द फैमिली मेंबर्स, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. हम लोग जो है ये बात करते रहते हैं जी, पता नहीं हमारा आगे क्या किस्मत का हाल होना है, और हम इस एस्ट्रोलॉजिस्ट से ये बात कर ले, उससे बात कर ले. उस दिन आई मेट समबडी इन इस्लामाबाद, मैंने उनको सिर्फ ये कहा, मैंने कहा देखिए पहले जो है ये बिल्कुल मुझे इन चीजों का ख्याल नहीं होता था, मेरे जहन ही इस तरफ नहीं जाता था. बिकॉज आप सोचते थे कि ओ हो अभी तो यू नो यू आर वेरी यंग, ये तो मुझे हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता. मैंने कहा नाउ आई एम रीचिंग दैट स्टेज, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि मुझे शुगर होनी है या नहीं होनी है, मुझे कैंसर होना है या नहीं होना है, मुझे क्या क्या आगे तो ऐसी चीज होनी है. बिकॉज फैमिली हिस्ट्री होती है ना. हाँ. तो उन्होंने कहा भाई हम कुछ नहीं बता सकते. अच्छा हाँ, वैसे सही बात है, कोई कुछ नहीं बता सकता, ये तो अल्लाह ताला को पता है. अब जैसे आप कल की बात कर रहे थे, अगर कोई मजार पे गया था, डिड दे नो कि क्या हो जाएगा? नोबडी नो. लेकिन इमेजिन, इट्स ऑल अनसर्टेन. हाँ इट इज. लेकिन यू नो आपने बात की, मेरे फिर यही जहन में आ रहा है कि कौन जानवर और हैवान जो है वो ऐसे मजारों पे और मस्जिदों में ऐसे करते हैं. They are not humans, simply cannot be humans. बिल्कुल बिल्कुल. एनी वे, सो कोई चीज अभी रह गई फातिमा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? हाँ ये देखिए जी, ये एक बना लिया इन्होंने. हाँ ये भी फूल बना सकते हैं. सारी पिंक चीजें जो है ना वो जमा कर लें. कोई अगर ऐसे कपड़े हैं पुराने पिंक कपड़े, ड्रेसेस लगी हुए, कोई रिबन लगे हुए, कोई एम्बेलिशमेंट करें. हाँ सब कुछ पिंक 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 पिंक. इस महीने में ना सब कुछ पिंक पिंक इकट्ठा करें, फिर उसमें से कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा. सारी क्रिएटिविटी जो है वो एकदम वो चीजों को देख के आएगी. ठीक है, जितना पॉसिबल हो इस वर्ड को स्प्रेड करें, सो दैट वी कैन सेव एज मेनी लाइफ एज वी कैन. यस डेफिनेटली. एंड वी विल बी गिविंग यू दोज टिप्स थ्रू आउट द मंथ. पिछले साल भी आपको पता है सो मेनी पीपल दे केम ऑन द शो, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर अतीका ऑल्सो केम ऑन द शो, एंड यू नो वी ऑल ट्राई टू टेल यू कि भाई क्या कॉजेज होती हैं, क्या आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकें. अभी नेक्स्ट सेगमेंट में भी हम इसी हवाले से आपसे बात करेंगे, बिकॉज टुडे वी जस्ट ट्राइंग टू किक ऑफ दिस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फातिमा. थैंक यू मतलब. Thank you for joining us. Thank you for coming. We are taking a very short break and I will see you in quick fix.